हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वंदे मातरम। और आज हमने ये चॉकलेट आइसक्रीम बना करके रेडी की है, तो हम फटाफट से देखते हैं कि ये होममेड चॉकलेट आइसक्रीम हमने कैसे रेडी की है। तो ये देखिए, ये आजकल मार्केट में बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये फ्लेवर लिया है मैंने चॉकलेट का, रेडीमेड जो है वो इसका पाउडर है मिक्स आइसक्रीम का। तो इसे हम बनाते हैं फटाफट और इसका रिज़ल्ट देखते हैं। तो इसमें कुछ जो है मैंने इसमें कुछ तो चेंजेस किए हैं। तो सबसे पहले जो है मैंने आधा किलो दूध ले लिया है और एक सॉस पैन ले लिया है। उसके अंदर जो है 3 चम्मच तो मैंने ये चीनी ऐड डाल दी है, 3 हो गए हैं चम्मच। और 2 चम्मच जो है ये मैंने कॉर्नफ्लोर डाल दिया है इसके अंदर, और इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। और इसके बाद जो हमारा आधा किलो दूध था वो इसके अंदर हम डाल देंगे। इसको हम थोड़ा सा इस तरह से स्टेयर कर लेंगे ताकि जो है इसके अंदर कोई लम्स ना बने। तो ये देखिए, ये हो गया है। और बाकी का भी मैं दूध इसमें डाल देती हूँ पूरा। अब हमने इसको खोल लिया है इसके अंदर, तो ये पैकिंग है इसके अंदर, एक और ये पैकिंग निकली है, तो इसे भी हम कैंची से काट लेते हैं। और इसको पूरा का पूरा जो है इसमें यही बताया गया है कि आधा किलो जो है दूध के अंदर जो है इसको पूरा का पूरा इसका मिक्सचर डालना है। और इसे हम अच्छे से ऐसे पहले चला लेंगे। अब इसके बाद हम अपनी गैस को ऑन कर लेते हैं और इस पर अपना सॉस पैन जो है वो चढ़ा देंगे। और इसे हम कंटिन्यूसली इस तरह से चलाते रहेंगे जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। इसको इस तरह से कंटिन्यूसली चलाते रहना है, नहीं तो अगर हम इसे चलाएंगे नहीं तो बीच में जो है वो एक तरह से ये गाढ़ा होकर के खट्टा सा हो जाएगा, नीचे लग जाएगा तले में। तो इस तरह से इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए रहना है। तो ये देखिए, धीरे धीरे जो है ये गाढ़ा होता जा रहा है, ये देखिए। तो इसे हमें अच्छे से थोड़ा गाढ़ा कर लेना है ताकि इसकी आइसक्रीम अच्छी जमे। तो ये देखिए, ये मेरी जो है अच्छे से गाढ़ी हो गई है। तो इसे जो है अब मैं बंद कर देती हूँ गैस को और थोड़ा सा इसे हम ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए, मेरा जो मिश्रण है वो इस तरह से बन करके रेडी हो गया है। इसमें कुछ नट्स डाल देती हूँ मैं, जिसमें है काजू और ये बादाम। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे ठंडा कर लेते हैं हम थोड़ी सा। अब इसको देखिए, ठंडा हो गया है मिक्सचर, तो इसे हम अच्छी तरह से हम इसे विस्क कर लेंगे। तो इससे क्या है, हमारी आइसक्रीम जो है वो फ्लफी फ्लफी बनेगी। तो ये देखिए, अच्छी तरह से ये विस्क कर लिया है हमने। तो ये देखिए, अब इसको हम बाउल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे जिसमें हम आइसक्रीम जमाएंगे इसे। इसी के ऊपर कुछ नट्स हम इस पर रख देंगे इस तरह से, आप अपनी चॉइस के अनुसार रखिएगा कोई भी नट्स। और ये मेल्ट चॉकलेट है, ये मैंने इसके ऊपर डाल दी है ताकि इससे भी इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये डाल दिया है मैंने अच्छे से इसके ऊपर और इसे हम अगले 6 से 7 घंटे के लिए डीप फ्रीज कर देंगे। और उसके बाद जो है हमारी ये चॉकलेट आइसक्रीम जो है वो बनकर रेडी हो जाएगी। तो देखते हैं 5। तो ये देखिए, हमारी आइसक्रीम जो है वो जम करके रेडी हो गई है। और इसे जो है हम निकाल लेते हैं, ये देखिए कितना
कितनी अच्छी जो है वो बन करके है। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस आइसक्रीम का मज़ा लीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।